Assalamualaikum guys, welcome to Bike Mein APK. So guys, the wait is finally over और आज मैं आप सबके लिए फाइनली एक एंटीक पीस का रिव्यू लेकर आया हूँ. ये जो बाइक है, ये है होंडा का 50cc बाइक. ये बाइक अभी बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में है और ये है 1984 मॉडल. इसकी हेडलाइट इंडिकेटर्स, इस बाइक की जो बॉडी है वो ओवरऑल जेन्युइन है. बैकलाइट से लेकर हेडलाइट तक ये बाइक ओवरऑल जेन्युइन है. इसकी हर चीज़ जेन्युइन है इसके अंदर. और हालात आप इसकी देख सकते हैं, जो इसकी कंडीशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है. इस बाइक का मैं आज आपको रिव्यू दूंगा और इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे. तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मीटर की बात करते हैं. तो इस बाइक का जो मीटर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर मिलेगा आपको. और अगर इसके राइट साइड की असेंबली की बात की जाए तो इसके अंदर इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट का ऑप्शन है. और लेफ्ट साइड के ऊपर इसके अंदर एक लाइट का ऑप्शन है, एक पार्किंग और एक हाई लाइट का ऑप्शन है इस बाइक के अंदर. इसका जो इग्निशन स्विच है मैं आपको दिखाऊंगा. अब अगर इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट इसकी राउंड शेप हेडलाइट बनाई गई थी. इस बाइक के इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं. उसके अलावा इस बाइक के अंदर एक मेन लाइट है और एक पार्किंग लाइट है. और अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर जो इसका फ्रंट टायर आया था वो था 2.25 का फ्रंट टायर था. इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर ड्रम ब्रेक मिलेगी. इसके अलावा अब आते हैं इस बाइक के टैंक की तरफ. तो इसकी जो टैंकी है वो बिल्कुल सीट के नीचे है. टैंकी आप इसकी देख सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 लीटर की टैंकी होगी इस बाइक की. और उस हिसाब से अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो जो ऑनर था, मैंने पूछा था उससे, इसकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त थी. काफ़ी अच्छी एवरेज दे रहा था ये बाइक. उसके अलावा अगर इसकी सीट की बात की जाए तो सीट भी इसकी कम्फर्टेबल बनाई गई थी उस दौर में. इसके बाद अब आते हैं इस बाइक के साइड कवर्स की तरफ. तो जो लेफ़्ट साइड वाला साइड कवर है उसके अंदर आपको इस बाइक का इग्निशन स्विच मिलता है. यहाँ से आप बाइक को ऑन करेंगे और यहाँ से ही ऑफ करेंगे इस बाइक को. और ये जो ब्लैक आप नट देख सकते हैं, इससे आप इस बाइक का साइड कवर खोल सकते हैं. लेफ्ट साइड वाला साइड कवर और ये राइट साइड वाला जो साइड कवर है इसके अंदर भी ऐसा ही है. आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आपका साइड कवर खुलेगा. इसके बाद अब आते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ. तो इस बाइक का जो इंजन है इसकी डिस्प्लेसमेंट है 49 क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर इसकी हॉर्स पावर की बात की जाए तो 3.1 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है. और उसके अलावा 3.1 ही इसकी टॉर्क है. अगर इस बाइक के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको 4 गियर्स मिलते थे और तमाम आगे की तरफ लगते थे. अगर इस बाइक के कंप्रेशन रेशो की बात की जाए तो 7:1 कंप्रेशन रेशो है इस बाइक की. 40mm बोर है और 39.3mm बाइक का स्ट्रोक है. इस बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो ये बाइक मैक्सिमम भी 60 तक जाता था. 80 तक इसका मीटर है, शायद 80 तक चला जाए, लेकिन 60 तक इसकी टॉप स्पीड है. अब आते हैं साउंड की तरफ. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बैक पर शॉक्स हैं वो सिंपल शॉक्स हैं. और इस बाइक के अंदर जो चेन कवर है वो आपको फुल चेन कवर मिलेगा. इसके अंदर जो बैक पर फुट पैग्स हैं वो चेंज हुए हुए हैं, इसके जेन्युइन नहीं है खैर. और अगर इसके बैक टायर की बात की जाए तो इसका जो बैक टायर है वो जो जेन्युइन आता था वो था 2.50 का बैक टायर. और बैक पर ड्रम ब्रेक थे इस बाइक के अंदर. साइलेंसर आप इसका देख सकते हैं, ये जेन्युइन साइलेंसर है इस बाइक के अंदर. और जेन्युइन हालत में है साइलेंसर, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ वो. और साउंड टेस्ट, जैसे कि आपने इसका साउंड सुना था अभी. बैकलाइट इसकी अब आप देख सकते हैं, इसकी जो बैकलाइट है उसके अंदर सिंपल बल्ब है. और बैक जो बाइक का मडगार्ड है वो मेटल का मडगार्ड है. सो गाइस, अब अगर इसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए तो ये बाइक प्रोडक्शन में आया था 1984 के अंदर.
और 84 से 2006 तक होंडा ने इस बाइक की प्रोडक्शन की थी, और 2006 के बाद ये बाइक बंद हो गया था, 2006 के बाद ये प्रोडक्शन में नहीं है। सो गाइस, अब इस बाइक के थोड़े से फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो फ्रेम था वो था टेबुलर फ्रंट सेक्शन प्रेस्ड स्टील मेन सेक्शन। इसका जो फ्रंट सेक्शन था वो था टेबुलर फॉर्म के अंदर, जो इसका मेन सेक्शन था वो था प्रेस्ड स्टील के अंदर। उसके अलावा इसकी अगर डायमेंशन आपको बता दूँ तो 1815 mm इस बाइक की लेंथ थी। विड्थ इस बाइक की जो है, इस बाइक की जो विड्थ है वो है 692 mm। बाइक की जो हाइट है वो है 1048 mm। अगर इस बाइक की सीट हाइट की बात की जाए तो 75 mm बाइक की सीट हाइट है, 30 इंच कह सकते हैं आप। और वेट जो इस बाइक का है वो है 71 kg इस बाइक का वेट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 4 से 5 है, तो इस बाइक की जो जेन्युइन फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो थी, वो है बल्कि 4.50 लीटर इस बाइक की जेन्युइन टैंक कैपेसिटी है। और अब बात करते हैं कि इस बाइक की प्राइस क्या है। तो ये मैंने किसी शोरूम पर बनाई थी और शोरूम में जो इसकी डिमांड थी वो थी 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपये का ये बाइक ये बेच रहे हैं, और अभी भी ये फॉर सेल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आइए। लोकेशन जो है वो है मुल्तान में ही आपको मिलेगा। अगर बाकी आप शोरूम वाले से बात कर लें, अगर वो आपको डिलीवरी के ऑप्शन देते हैं तो आपको मिल जाएगी, वरना आपको मुल्तान से ही मिलेगा। बाकी नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा जो ऑनर है शोरूम का। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ये एक बेतुका सवाल है कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चीज़ आती है शौक़। जिस बंदे को इस बाइक का शौक़ है, या जो कलेक्शन बेसिकली लोग जो कलेक्शन रख रहे होते हैं इस बाइक की, वो बेसिकली इस बाइक को बाय करते हैं। लेकिन जो हम जैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम यंगस्टर्स हैं और जिनको इस बाइक का इतना नहीं पता, हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, फ़ायदा ही कोई नहीं है, फजूल चीज़ है ये। लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने इन चीज़ों को चलाया हुआ है, वो इन चीज़ों की वैल्यू जानते हैं, और जिनको शौक़ है वो तो फिर वाकई इसको रखते हैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये जिस तरह का बाइक है, अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ तो मेरे ख्याल में 70,000 इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। ये 20,000 में भी मिले तो फिर ठीक है, 70,000 इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन अगर आप एक शौकिया बंदे की नज़र से देखें तो वो तो कहेगा कि काफ़ी सस्ता मिल रहा है फिर भी, क्योंकि अभी भी फुल जेन्युइन कंडीशन में ये बाइक है। थोड़ी बहुत ही पार्ट्स की चेंजिंग है जो जेन्युइन नहीं है, बाकी इंजन पार्ट्स और थोड़े बहुत बॉडी पार्ट्स इस बाइक के जो हैं वो जेन्युइन है। और एक चीज़ मैंने आपको भी आपको सिर्फ दिखाई थी, जो कि इसके बैक फुटरेस थे वो जेन्युइन नहीं थे, बाकी इसकी ओवरऑल जेन्युइन चीज़ें थी इसके अंदर। सो गाइस, अब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसमें तो वही बात आ गई कि आप, अगर आपको शौक़ है तो आप लें, शौक नहीं है तो आप छोड़ दें इसको। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था आप लोगों को रिमाइंड कराना कि 1984 में जो आपने चीज़ चलाई थी वो अभी किस कंडीशन में आपको मिल रही है। और एक और बात, के पार्ट्स आपको इस बाइक के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो 1984 में ये बाइक आया था, 84 में, अब आप देख सकते हैं कितने साल हो गए हैं। तो अब तो इसके पार्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, आप ये कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि आपको इस बाइक के पार्ट्स मिले पाकिस्तान के अंदर। हो सकता है आपको शायद कहीं बाहर से मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी बंदे ने, किसी शौकिया बंदे ने इस बाइक के पार्ट्स रखे हों तो आपको मिल सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल है कि इसके बाइक के पार्ट्स आपको मिलें। उसके अलावा अगर इस बाइक के रोड अट्रैक्शन की बात की जाए, तो जैसी ये एंटीक चीज़ है लोग तो इसको लाजमी देखेंगे। जो लोग, कई लोग तो पहचान जाएंगे, कई लोग जैसे हम जैसे लोग हैं उनको नहीं पता लगेगा कि कौन सा बाइक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक एंटीक चीज़ है तो इसकी रोड अट्रैक्शन अपनी है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, मैकेनिक्स आपको इस बाइक के मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, आराम से इसके मैकेनिक्स आपको मिल जाएंगे। 4-स्ट्रोक चीज़ है बस, तो आराम से मिल जाएंगे इस बाइक के मैकेनिक्स। अब बाकी पेंट और बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई कि पेंट क्वालिटी बाइक की बहुत अच्छी बनाई गई थी, बिल्ड क्वालिटी बाइक की बहुत अच्छी बनाई गई थी उस दौर में, और उस दौर से अब तक पेंट क्वालिटी वैसी तो नहीं रहती क्योंकि ये बाइक रिस्टोर हुआ हुआ था तो पेंट इसका न्यू था। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको इसकी प्राइस बताई, 70,000 रुपये इस बाइक की डिमांड है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके इस बाइक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप बाय करना चाहें तो आप ये बाइक ले भी सकते हैं।
सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।